नमस्कार टू डी प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। न्याय के लिए पहल कदवाक लेल महतरीक कुमारी माय के नाम से प्रसिद्ध आग्रह के संबंधी प्रसंग से कुमारी माय कहकर चिन्हल जाय वाला निहारिका राजपूत अपना के उचित न्याय नहीं देवाक चलखेल भर रहा बतौने जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजन कर निहारिका 16 वर्ष के उम्र में अपना के फुसला का बलात्कार कर एक पुत्र के मैं बनावा के बला फरार अभियुक्त शिवराज श्रेष्ठ जिला अदालत धमसा में हाजिर भेला के बाद अदालत में अपन बकपत्र भेल मुदा आरोपित श्रेष्ठ के बकपत्र नहीं कर उझराबे के काम भेल वो बतौने। शुरू में जनकपुर धाम के महिला अधिकारी कर्मी सब सहित अधिवक्ता सब से अपना के बच्चा कलंक हेबाक से नहीं राखा चेतावनी देने आ नहीं मानने मानला के बाद यातना देने आरोप सेहो लगौलिए। वो अपने न्याय चाहने आ कानून बमोजिम आरोपित के सजा चाहने बतौने। लड़का के परिवार जिला प्रहरी कार्यालय धमसा आगा दुकान कर रहा सा प्रहरी संग नीके पहुंच रहा सा अपना के समस्या भरल उनकर तर्क है। अढ़ाई वर्ष सब बिना विवाह बच्चा जन्म देने महोतरी के जलेश्वर नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के निहारिका आरोपित धमसा छिरेश्वरनाथ नगर पालिका 5 महेंद्रनगर के आरोपित श्रेष्ठ के कार्यवाही के मांग करे जनकपुर धाम में आगा पाछा कर रहा है। बारम्बार छलफल को पनी मांग मैले गरे कि होइन उस्तै बच्चा हो म चाहिँ मसँग सबै कुरा प्रमाण छ भन्ने पनि उनीहरूले भन्ने कि त्यो प्रमाणले के हुन्छ त्यो मान्छे तिमीलाई माया गर्दैन त्यो मान्छेले त्यस्तो गरेको हो त्योसँग तिमी बसेर के गर्छौ मैले बस्नलाई चाहिँ उहाँको माथि यस्तो भएको होइन जिल्लामा म चाहन्छु कि कारवाही होस् भनेर पनि मैले भने दोषीमाथि कारवाही होस् मेरो बच्चालाई पनि उनीहरूले मार्न गरिराख्नु भएको छ अनि बच्चा त तिमीलाई फाल्नै पर्छ यो बच्चा लिएर के गर्छु बच्चा फाल्नलाई सबैजनाले मलाई दबाब दिनुभयो यहाँसम्म कि मलाई कुट्ने जस्तो पनि गर्नुभयो मलाई रेखा झालले त हात समातेर तान्नुहुन्थ्यो दीपिका ओझाले चाहिँ मेरो निवेदन फालिदिनुहुन्थ्यो यस्तो तलब फालिदिनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो जाऊ न अदालतमा जाऊ सिधै भन्नुहुन्थ्यो जाऊ अदालतमा जाऊ उहाँहरूले चाहिँ केटाको सबैसँग मिल्नु भएको थियो। अब तपाईँ कस्तो न्याय चाहनुहुन्छ के न्यायमा के आशा गर्नुभएको न्यायमा चाहिँ जुन एउटा उसले मेरो बलात्कार गरेको हो बलात्कारीलाई चाहिँ जुन सजाय छ हाम्रो कानुनमा त्यो उसले सजाय पाउनु पर्यो। 2076 सालमै 16 वर्षको उमेरमै फुसलाका विवाह गरब कहे बलात्कार कर गर्भवती बनलो 2077 पुसमै पेटमै बच्चा सहित जिल्ला प्रहरीमै उजुरी देने छलिए। इससे पहले अभियुक्त श्रेष्ठ फरार छल 1 वर्ष 15 दिन के पुत्र सहित निहारिका अदालत आ प्रहरी में दौग रहा। धनुषा CDO कार्यालय के नायब सुब्बा उमेश चौधरी के घूस सहित रंगे हाथ अख्तियार के टोली पकड़ाव कलक। नायब सुब्बा चौधरी जनकपुर धाम के कैंपस चौकी स्थित एक होटल में सेवाग्राही संग 8,500 रुपया घूस लेने छा। वही समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग कार्यालय बदवास से पहुंचल टोली उनका पकड़ाव कने। नागरिकता की प्रतिलिपि में उमेर सचिया देवा कहे सेवाग्राही संघ नायब सुब्बा चौधरी घूस लेने छल। कानूनी प्रक्रिया पूरा कर अख्तियार की टोली आवश्यक कार्रवाई कर उनका बदवास लग गए बताओ गए। धमसा में पिछला समय भ्रष्टाचार बढ़ला के बाद अख्तियार के अधिकारी सब निगरानी बढ़ाने। अमेरिकी परियोजना मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन MCC के विरोध में जनकपुर धाम में प्रदर्शन कैल गए। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी MCC के विरोध में जनकपुर धाम में प्रदर्शन कैने। सार्वभौम संपन्न देश नेपाल के अपन स्वार्थ पूर्ति के लिए संसदीय दल के नेता देश के आधुनिक दास बनावा चाहने आरोप लगवे क्रांतिकारी माओवादी धनुषा विरोध जनौलक। क्रांतिकारी माओवादी धनुषा महतारी के इंचार्ज वीरेंद्र यादव के अगुवाई में नगर परिक्रमा करेत जनक चौक में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा के संबोधन करेत क्रांतिकारी माओवादी केंद्रीय सदस्य समेत रहल इंचार्ज वीरेंद्र यादव शेरबहादुर देवा नेतृत्व के वर्तमान सरकार MCC परियोजना संसद से पारित कर नया कानून बनाकर जनता के सब दिन के लिए विदेशी के गुलाम बनाबा उद्धत रहल आरोप लगौलन। नेकपा केंद्रीय सदस्य विपत मंडल स्वतंत्र देश के रूप में रहल नेपाल के बंधक बनाकर जनता के गुलाम नहीं बनाबा सरकार संग आग्रह कलन। वो MCC पारित भेला के बाद किछ नेता मंत्री मालामाल हेबाक दावी सेहो कलन।
नेता सबके निहित स्वार्थ के लिए ओ परियोजना पारित कर लागल प्रति ओ आक्रोश व्यक्त कलन। स्थानीय गोपाल धर्मशाला से निकाल गया जुलूस नगर परिक्रमा करत जनक चौक में पहुँच कर विरोध जनवल। प्रदेश नंबर दू सरकार प्रदेश जन लोकपाल आयोग में पदाधिकारी नियुक्त कलक। सरकार आयोग के अध्यक्ष में रोहथट के राम सहाय राय यादव आ सदस्य में जनकपुर धामक राजकिशोर शाह तथा महोतरी गुनरपुरा के शोभा कुमारी महतो के चयन कलक। नवनियुक्त के आय प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौने। आयोग के कार्यालय जनकपुर धाम के मुजिला स्थित ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र भीतर राखल गया। नवनियुक्त पदाधिकारी आइए कार्यालय पहुँच कर पदभार से ग्रहण कने। प्रदेश के सार्वजनिक मामला में स्वच्छ सक्षम निष्पक्ष पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त जन उत्तरदायी आ जन सहभागिता मूलक बनबत प्रदेश से प्राप्त होवला सेवा सुविधा में नागरिक के समान आ सहज पहुँच सुनिश्चित कर तथा कानून के शासन चुस्त प्रशासन विकेंद्रीकरण आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य आ स्रोत के कुशल व्यवस्थापन जेहन असल शासन के आधारभूत मान्यता के आत्मसात कर सुशासन पेबाक नागरिक के अधिकार के व्यवहार में उतारि कर कार्यान्वयन में लाभ आ प्रशासन संयंत्र के सेवा प्रदायक संयंत्र तथा सहजकर्ता के रूप में रूपांतरण कर प्रदेश में सुशासन के प्रत्याभूति देव 2077 भादो 3 गते प्रदेश दू के प्रदेश सभा ईएन बनौने। सलाही स्थित नेपाल बैंक लिमिटेड मलंगवा शाखा के सहायक पद में कार्यरत संतोष विक्रम शाह समेत 3 गोटे ऊपर सार्वजनिक संपत्ति हानि नुकसानी कर भ्रष्टाचार कने कह आरोप पत्र दायर कैल गए। लालबंदी नगर पालिका के भवन बराबर ठेक्का दिला पर नकली अग्रिम भुगतानी जमानत बनाकर ठेकेदार के नकली बैंक गारंटी के आधार में भुगतान कला से उनका सब पर आरोप पत्र दायर कैल गया। लेकिन भवन बन के काम रुकायल उजूरी ऊपर अनुसंधान भेला पर नेपाल बैंक लिमिटेड मलंगवा शाखा के नकली अग्रिम भुगतानी जमानत बनाकर 42 लाख रुपया भुगतानी लकर सरकारी रकम हिना मिना कने पुष्टि भेला से सजाए के मादाबी लकर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ऐन 2048 के दफा 18 आ 35 बमोजिम विशेष अदालत काठमांडू में आरोप पत्र दायर कैल गए। अख्तियार के प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिजाल जानकारी दिलन। नेपाल बैंक लिमिटेड मलंगवा शाखा के ऋण फाट में सहायक पद में कार्यरत संतोष विक्रम शाह लालबंदी नगरपालिका के भवन निर्माण करवा क्रम में लोकवीर बेताली 5 कुमारी जेबी के पार्टनर सब अनिल गुप्ता आ शिवनंदन पासवान सब की मिलो मतों में नकली एडवांस पेमेंट गारंटी तैयार कर नगरपालिका से 42 लाख रुपया भुगतानी लेने अख्तियार जनौलक। शाह रकम हिना मिना हानि नुकसानी कने पुष्टि भेला से उनकर वो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 के दफा 17 अनुसार के कसूरजन्य कार्य भेला से उनका बीगो 42 लाख कायम कर वही ऐन के दफा 3 के उपदफा 1 आ दफा 3 के उपदफा 1 के दहाई 6 बमोजिम सजाए होब आ वही ऐन के दफा 17 बमोजिम ओ बीगो वसूल होब मांग दावी लेल गेल। प्रवक्ता रिजाल जानकारी दिले। बीरगंज चोरी पठार के विभिन्न सामान सहित के 2 ट्रक प्रहरी नियंत्रण में लेलक। मिथिला राति 11:30 बजे के समय में बीरगंज महानगरपालिका 14 स्थित गंडक सड़क खंड के रास्ता से 9351 65 आ 9355 नंबर की मालवाहक ट्रक के प्रहरी नियंत्रण में लेने। पुरान मिति के प्रज्ञापन पत्र देखबैत ओहि में उल्लेखित माल वस्तु के सट्टा भंसार छली ककर चोरी पैठारी ककर लाओल गेल लत्ता कपड़ा लगायत अन्य माल वस्तु लोड ककर चितवन लऽ जाय काल सूचना के आधार में वो ट्रक नियंत्रण में लेने जिला प्राधिकारी प्रसाक प्रहरी उपीक्षक बेलबहादुर पांडे जानकारी देलन। ट्रक रोक का जांच करवा क्रम में चालक सब भगला सब थप शंका उत्पन्न भेल ओ बतौलन। गाड़ी में रहल प्रज्ञापन पत्र देखला पर 9351 65 में 2077 माघ 22 कते आ 9355 में 2078 सावन 21 कते लगायत के मिति के प्रज्ञापन पत्र भेटल छल मुदा बिल बीजक में भरकरे के मिति उल्लेख भेला से गाड़ी में रहल सामान सब प्रज्ञापन पत्र बमोजिम नहीं रहल होब सकबाक कारण से ट्रक के नियंत्रण में लेने उनकर कहब रहल। ट्रक आसमान के मूल्य 80 लाख रुपया मूल्यांकन कर आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलैया 12 में बुझाओल गेल परसा प्रहरी जनौलक। रोहथट में लाखों मूल्य बराबर के सरसमान लूट का भागल। रोहथट के दुर्गा भगवती गांव पालिका 3 मत्सरी में स्थानीय सरोजानंद झा के घर में बितलहराइत पैसल नकाबधारी डाकू के समूह लूटपाट कने। उनका घर में राखल गेल रूम के दराज आ बक्सा फोड़ कर नगद आ सोन चांदी कर 20 लाख रुपया से बेसी के सामान लूट के लगे। रोहथट के डीएसपी
नारायण प्रसाद चिमोरिया जानकारी दिलान। सुमक राय 2 बजे के समय में हथियार सहित घर में पहुंचल नकाबधारी समूह बच्चा के बंदूक दिखाकर घर के परिवारजन के नियंत्रण में लाकर लूटपाट के झा बतलन। घंटों देर घर में रहकर लूटपाट कर डाका समूह गिर रही तो प्रहरी सक्रियता नहीं दिखाने स्थानीय सबके आरोप रहा है। घटना के बाद DSP चिमोरिया घटनास्थल पहुंचल छ। घटना के बारे में अनुसंधान भर रहा प्रहरी जनौलक है। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन MCC के बारे में राजनीतिकरण कर खोजल गई बताने आज संसद भवन नया बानेश्वर में बैसल कांग्रेस संसदीय दल के बैसार में देउवा MCC के बारे में भ्रम सृजना कर आ राजनीतिकरण कर खोजल गई बताने प्रधानमंत्री देउवा नेपाल के विकासक लेल MCC एकाएक आयल विषय नहीं रहल आ कानूनी प्रक्रिया पूरा कर सरकार प्राप्त कने अनुदान रहल बताने कांग्रेस सचेतक पुष्पा भूषाल बतौलन। नेता देउवा अगिलका सरकार से कानून बनाकर MCC के आगे बढ़वित आयल बतौने भूषाल जानकारी दिलन। MCC के बारे में अन्य दल संग से विमर्श आ संवाद कल जवाक भूषाल जानकारी दिलन। यो MCC नेपालको विकासको लागि अहिले एकाएक आएको विषय पनि होइन। यो लामो धेरै वर्षदेखि नेपालमा एउटा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर यो प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान हो र एउटा लोकतान्त्रिक देशसँगको सम्बन्धका कुरा र त्यसै लामो समयदेखि MCC को प्रोजेक्ट नेपालमा आउनको लागि विगतमा धेरै दलहरूको सरकारहरू हुँदै गर्दाखेरि कानुनी प्रक्रियाहरू विभिन्न दलको नेतृत्व लिएको सरकारले MCC का कानुनी प्रक्रियाहरूलाई पूर्णता दिँदै निरन्तरता दिँदै आज यो रूपमा आएको हो। त्यही भएर यो हिजोको सरकारले यसलाई कानुनी प्रक्रिया प्रारम्भ गरेर प्रतिस्पर्धामा गएर अनुदानको रूपमा नेपालको विकासको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाएर नेपालको विद्युत उत्पादनलाई अझै बढी उत्पादनमुखी बनाउने र यसबाट नेपालले आफ्नो फाइदा लिन सक्ने भएको हुनाले यो हिजोको निरन्तर प्रक्रियालाई अहिलेको सरकारले अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू विचार त्यहाँ आयो र यसको लागि अरू दलहरूसँग पनि समन्वय गर्ने छलफल गर्ने संवाद गर्ने भन्ने सन्दर्भमा र माननीय सांसद बैसारमे देउवा संसद बैसारमे सशक्त भूमिका निर्वाह कर आ अनिवार्य उपस्थित होब निर्देशन देने छलथि। तहिना कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की संसद में बैसारमे अध्यादेश पेश करबाक जानकारी देने छलथि। राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश बुध दिने सदन में पेश करबाक अन्य अध्यादेश के सेहो क्रमशः पेश करबाक कांग्रेस सचेतक भूषाल बतौलन। सरकारी आजको बैठकले गराए राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई त भोलि नै सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेर यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनेछ र त्यस्तै हिजोको दिनमा विचाराधीन रहेका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरूलाई पनि प्रक्रियाको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने आज कानुन मन्त्रीजीले जानकारी दिनुभयो भन्ने गृह मन्त्रीजीले जानकारी दिनुभयो र बजेटको सन्दर्भमा सरकारले प्रतिस्थापन बजेटको तयारीहरू गरिसकेको छ र त्यसलाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने र त्यो बजेटलाई यो कांग्रेस संसदीय दल के बैसार में गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड दारचुला घटना के बारे में जानकारी कराने आ बुध दिन के संसद बैसार में सरकार द्वारा गठित छानबीन समिति के प्रतिवेदन पेश करबाक बताने छलखे। संगे संसद के दोनों सदन के अधिवेशन बुध दिन बेडिया 4 बजे बचाव के लिए। राष्ट्रीय जनमोर्चा अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन MCC के विरुद्ध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कैलक। MCC के उपाध्यक्ष के नेपाल भ्रमण नेपाल के MCC पारित कर दबाव देबाक उद्देश्य से होबा लगल आ गठबंधन के सरकार के सचेत कर कहे जनमोर्चा आई काठमांडू लगायत देश के अन्य स्थान में विरोध प्रदर्शन कैलक। MCC नेपाल के राष्ट्रीयता सार्वभौमिकता आ राष्ट्रहित के विरुद्ध भेल कहे इंडो पैसिफिक रणनीति के अंग रहल जनमोर्चा जनौलक। MCC के कारा साम्राज्यवादी सबके युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनावश्यक तनाव बढ़त आ देश भीतर राजनीतिक दल सरकार आ जनता बीच असमझदारी बढ़त जनमोर्चा के कह रहा है। विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भारतीय संगठन युवा संगठन नेपाल सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कैलक। आई काठमांडू में सरकार के आर्थिक अनियमितता बेरोजगारी आ भ्रष्टाचार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जनौने। प्रदर्शन में सहभागी सब भ्रष्टाचारी के संपत्ति राष्ट्रीयकरण करू संपूर्ण क्रांतिकारी देशभक्त युवा सब एक हो अनियमितता करवला के कार्रवाई कर लगायत के नारा लिखल गेल प्ले कार्ड प्रदर्शन केने छल। तहिना ओ सब सरकार संग भेल 3 बूंदे सहमति कार्यान्वयन करबाक मांग करैत
नारा लगाउने छ। काठमाडौँकै शान्ति बाटकासँग सुरु भएल विरोध र्याली विभिन्न स्थान होइत पुनः शान्ति बाटका पहुँचको समापन भेल छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकै युवा संगठन यङ कम्युनिस्ट लिग नेपाल YCLकै संयोजकमै सुमन देवकोटाकै चयन कयल गेल अछि। आई काठमाडौँमा बैसल YCLकै पहिल केन्द्रीय समिति बैसारसँ देवकोटाकै चयन कयने अछि। तहिना बैसारसँ सह संयोजकमै सुबोधराज शेर्पालीकै चयन कयने अछि। बैसारसँ एखनकै केन्द्रीय समितिकै तेसर राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिमै रूपान्तरण कयने YCL अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा जानकारी देलनि। ओ जल्दिए राष्ट्रिय सम्मेलन करय जका संयोजक आ सहसंयोजक तय कयने बतौलनि। बैसारसँ YCL एक भक रहल सन्देश गेल हुनकर कहब रहल छल। उत्पन्न भएको छ प्रथम पूर्ण बैठकले छिट्टै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरी संयोजक सहसंयोजक तय गरेको छ। म यो राष्ट्रिय भेला पछाडिको प्रथम बैठकबाट संयोजक सहसंयोजक संयोजकमा सुमन देवकोटा सहसंयोजक सुबोधराज शेर्पाली चयन हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। YCL हिजो पनि एक ढिका थियो आज पनि एक ढिका छ भन्ने सन्देश गएको छ। धन्यवाद। संयोजकमै चयन भेलाक बाद संयोजक देवकोटा जनयुद्ध आ जनआन्दोलनसँग प्राप्त उपलब्धिके रक्षा गर सशक्त भूमिका खेल्बाक बताउने। देशका उपलब्धिहरू संघीयता गणतन्त्र संविधान धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशता सहितको सामाजिक न्यायलाई स्थापित गराउनको लागि YCL अग्रणी भूमिका खेल्नेछ। यही नै हाम्रो मूल उद्देश्य छ। बैसारमै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड MCC पास नै हेबाक घोषणा कयलनि। राष्ट्रियता उप प्रश्न उठावला बातमै माओवादी केन्द्र सहमति नै जनाउत ओ बताउने छलखिन। नेपालमै आई थप 1677 गोटेमै कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देशभरि कयल गेल 11111 PCR परीक्षणके क्रममे 1423 आ 3923 एन्टिजेन परीक्षणके क्रममे 254 गोटेमै कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मन्त्रालय जनौलक अछि। एहिसँगै नेपालमै कोरोना संक्रमितके संख्या 857,895 पहुँचल अछि। तहिना कोरोनाके कारण थप 21 गोटेके मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपालमै 10,879 गोटे कोरोनाके कारण जान गुमा चुकल अछि। तहिना थप 2,072 संक्रमित कोरोना मुक्त भेलापर एखन धरि 731,000 संक्रमित कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन नेपालमै 30,303 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन आ 258 गोटे क्वारेन्टाइनमे रहल मन्त्रालय जनाउने अछि। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपाल भाडा समायोजन लगायत 11 बुन्दे माग पूरा नै भेलकै यातायात व्यवस्था विभागमै धरना देलक अछि। यातायातके बीमा छुट सडक कानून यातायात कागजपत्र नवीकरण आ जरिवाना छुट लगायतके माग आगा लबैत महासङ्घ आइ विभागमै धरना देने अछि। अपना सबके मागक विषयमे सरकारवाला निकायमे जानकारी कराने रहितो सम्बोधन नै भेलकै सरकारके ध्यान आकर्षण कराबत धरना देल गेल। महासङ्घके अध्यक्ष डोलनाथ खनाल बतौलनि। अध्यक्ष खनाल कोरोना के असर कने अवधि भर के ब्याज मिनहा आ किस्ता के म्याद कमती में 2 वर्ष थप कर प्रभाग बतौलनि। ओ यातायात क्षेत्र के सुधार आ व्यवस्थापनक लेल प्राधिकरण स्थापना कर प्रभाग अपना सबके मांग रहल जिक्र कयलनि। वर्तमान सवारी तथा यातायात ऐन नियमावली 2049 के समय सापेक्ष व्यवसायी सुरक्षित हेबाक संगे यात्रु मैत्री हेब जका संशोधन कर प्रभाग हुनकर कहब रहल छलनि। छ बिमा सन्दर्भमा छ यिनै विषयहरू लिएर हामीले करिब असारको चाहिँ पहिलो हप्तादेखि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा हामीले अनुरोध गरेका छौँ र हामीले असारको 25 गतेबाट हामी आन्दोलनको क्रममा छौँ र त्यसपछि केन्द्रीय स्तरमा भाडा संयोजन गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्प्रदेशीय भाडा असार 29 गते समायोजन गरिएको छ र प्रदेश स्तरभित्रको भाडा अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन। हामीले सबै प्रदेशमा हामीले पत्रचार गर्ने हाम्रो चाहिँ डेलिगेसनको टिमहरू पठाउने अनुरोध गर्ने गरिरहेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा हाम्रो एकान्त कुना यातायात व्यवस्था विभाग प्रदेश कार्यालय ब्याङ्कर्स एसोसिएसन सबै ठाउँहरूमा हाम्रा धरनाका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन् र हामीले यी धरना कार्यक्रमहरू गर्दा गर्दै पनि सरकारले यसलाई वास्ता नगरेमा हामीले आफ्नो तर्फबाट भाडा आफै घोषणा गरेर जाने अवस्था पनि सिर्जना हुनेछ। त्यो सिर्जना नहोस् भन्नका निमित्त हामीले लामो समयदेखि सरकारका विभिन्न निकायलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि हाम्रा यी जायज मागहरू समयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ।
महासंघ सरकार अपना सबके मांग पूरा नहीं खेलक दर भादो 24 गते से सार्वजनिक सफारी में भाड़ा संयोजन का लागू करवाक चेतावनी देने भेजता टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए इतबार हम प्रमोद के विदा दिया देखते रही टीवी टुडे जनकपुर नमस्कार।